ahora mueve el culo, 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 abajo, culo, 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 abajo, culo, 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 abajo, culo. Hello guys, welcome back with another video. So guys, आज के इस वीडियो में हम Valorant की सेंसिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो गाइज, मैं आपको इसमें वेलोरेंट की सेंसिटिविटी ऐसे सेटिंग में जाके बताने वाला नहीं हूँ कि 0.7 रखो या 1 रखो या 2 रखो या 0.2 रखो, ऐसा कुछ मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। इसमें बस इतना बताऊँगा कि आप आपकी सेंसिटिविटी कैसे चेक कर सकते हो कि आप जो अभी सेंसिटिविटी पे खेल रहे हो वो ठीक है या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बस आपको इतना पता लग गया तो भी आप आपकी सेंसिटिविटी सही कर सकते हो। तो उसका एक तरीका है, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने ये तरीका बताया होगा और इसमें मैं दो तरीके बताने वाला हूँ, तो दोनों आप देख लेना, आपको जैसा अच्छा लगे तो आप ट्राई कर लेना, दोनों आपको जैसा अच्छा लगे आप वो सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना DPI चेक करो कि आपके माउस का क्या DPI है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी भी आपका गेम PC रीसेट होता है या फिर गेम रीसेट होता है तो आपकी सारी सेटिंग चली जाती है पुरानी वाली। तो जो सेटिंग्स आपकी गेम में होती है सेंसिटिविटी वगैरह वो सब याद रखने की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, जैसे कि आपकी गेम में वेलोरेंट की सेंसिटिविटी 0.7 या 0.6 तो वो आप याद रख सकते हो, पर आप DPI याद रखते नहीं हो। मतलब बहुत सारे लोग रखते हैं जो अच्छा प्रोफेशनल खेलते हैं वो, पर जो ऐसे नॉर्मल खेलते हैं उनको सेंसिटिविटी की बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो DPI याद नहीं रखते। तो DPI याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपके माउस का क्या DPI है। DPI होने के बाद आप, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि DPI कैसे चेक करें, तो आपका माउस जिस कंपनी का है उस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना DPI चेक कर सकते हो, या फिर आपने माउस में एक बटन होता है DPI का, उससे कम ज़्यादा करके आप अपनी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हो, पर ये पता नहीं लगा सकते कि आप अभी कौन सी DPI पे खेल रहे हो। या आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आपको सॉफ्टवेयर में देखना पड़ेगा। ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, रेंज में जाना है, वेलोरेंट के रेंज में जाना है। अब रेंज में आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सेंसिटिविटी कैसे ठीक करनी है आपकी। यहाँ पे आप कोई भी एक गन ले लो, सॉरी, तो जैसे कि एक ये बोट है, तो आप यहाँ पे आके F3 दबा के ये 50 या 100 करके ये सब ऑफ कर दो और ये सब ऑन करके डन कर दो और स्टार्ट कर दो, तो एक बोट आएगा और ये यहीं पे रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी सेंसिटिविटी चेक करने के लिए आपको ये क्रोसर इसके हेड पे रखना है और इसके आसपास घूमना है। अगर आपका क्रोसर इसके हेड के आसपास है तो इसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी सही है। पूरे मैप में ऐसे आसपास घूमो जी, ऐसे शिफ्ट दबा के भी घूम सकते हो, शिफ्ट दबा के भी देखोगे तो भी सही रहेगा और ऐसे फ्रीली भी घूमोगे तो भी सही रहेगा। मतलब आप आपके क्रोसर को कंट्रोल कर पा रहे हो, इसके हेड पे ले जाने की कोशिश कर पा रहे हो तो आपका सेंसिटिविटी सही है और आपको शायद करने की ज़रूरत नहीं है चेंज कुछ भी। जो DPI है वो याद रखो, जो सेंसिटिविटी वो याद रखो, कभी भी रीसेट होता है PC वगैरह तो आपको वहीं पे खेलना है, बार बार आपको सेंसिटिविटी DPI चेंज नहीं करनी है, जो आप एक बार खेल रहे हो उसी पे खेलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आपको एक चीज़ तो ये मैंने बता दी कि आपको इसका क्रोसर इसके हेड पर रखना और आसपास घूमना है, आप इस पर हेड पर कर पा रहे हो यानी एम, तो आपका सेंसिटिविटी जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि आपको पूरा 180 डिग्री घूम के देखना है कि आप पीछे वाले बंदे को शूट कर पा रहे हो या नहीं। जैसे कि आपका एम यहाँ पे, आप इधर इसको ऐसे ऐसे मार रहे हो और पीछे कोई बंदा आ गया, आपने घूम के उसको शूट करा, तो आपकी सेंसिटिविटी सही है। और अगर आप पीछे घूम पा रहे हो एक जैसा, जैसे एकदम फ्रीली मैं इधर से उधर घूम पा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, पूरा पीछे मैं मुड़ पा रहा हूँ, तो आपकी सेंसिटिविटी सही है। और अगर आपका जैसे माउस कुछ ज़्यादा ही पूरा ऐसे घूम रहा है, जैसे आपने इधर घुमाया पूरा ऐसे इधर आ गया, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, आपको कम करने की ज़रूरत है। इधर से भी करके देख लो, इधर से भी सेम होना चाहिए, पीछे एकदम घूम पा रहे हो आप, और अगर इधर से भी ऐसे हो रहा है तो ज़्यादा है। अगर आप जैसे ऐसे अटक अटक के जा रहे हो, इधर ऐसे 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 जा रहे हो, या फिर आप ऐसे जा रहे हो यहाँ पे आ गए फिर यहाँ पे आए, तो कम है सेंसिटिविटी, थोड़ी सी बढ़ाओ या फिर DPI थोड़ा सा इंक्रीज करो, जो भी आपको लगे वो करो, ठीक है। तो गाइस, ऐसे आप आपकी सेंसिटिविटी चेक कर सकते हो और सेट कर सकते हो बेस्ट सेंसिटिविटी जो आपको गेम में अच्छी लगेगी। बस आप ये ध्यान रखना कि आपकी DPI और आपका सेंसिटिविटी जो है वो हमेशा आप याद रखो। और अगर आप किसी गेम में चेंज करते हो, जैसे वेलोरेंट से एपेक्स में जाते हो और आप चाहते हो कि वही
वही सेंसिटिविटी मेरी हो जो वेलोरेंट में थी, वैसी सेंसिटिविटी मेरे को एपेक्स में भी चाहिए, पर दोनों गेम बहुत डिफरेंट है। तो आप इसकी कैसे चेंज करोगे सेंसिटिविटी? तो आप कभी भी गेम चेंज करते हो तो आपका डीपीआई चेंज मत करो, क्योंकि डीपीआई अगर आप चेंज करोगे तो आपकी जो मसल मेमोरी है वो चेंज होगी बार बार, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से डीपीआई पे आपको खेलना चाहिए, क्योंकि आप दोनों गेम खेलोगे अगर साथ में तो डीपीआई सेम रखो, सेंसिटिविटी चेंज करो गेम की। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट में बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वेबसाइट पे आप जाओगे, आपका आप डीपीआई सेट करोगे, वहाँ पे गेम नेम सेलेक्ट करोगे और आपकी वेलोरेंट की सेटिंग डालोगे। उसके बाद आप कौन से गेम पे शिफ्ट करना चाहते हो वहाँ पे उस गेम को सिलेक्ट करके अगर आप सेंसिटिविटी निकालोगे तो वहाँ पे आपको एक नई सेंसिटिविटी मिल जाएगी जिससे आप मूव कर सकते हो कि वेलोरेंट से एपेक्स में कौन सी सेंसिटिविटी आपको रखनी चाहिए। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप आपका एम सही करना चाहते हो, आपको क्या एम ट्रेनिंग होनी चाहिए, रोज़ आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपका एम अच्छा हो जाए। अगर आप ब्रॉन्ज या सिल्वर में अटके हो तो आप गोल्ड में कैसे जा सकते हो, प्लैट पे कैसे जा सकते हो। अगर आप एक चीज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगली वीडियो में, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो कमेंट करो कि हाँ मेरे को वो वीडियो देखना है, तो मैं वो वीडियो नेक्स्ट बनाने वाला हूँ इसके बाद। और अगर वो वीडियो बन जाती है तो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो चलो यार गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।